हूँ जो तुम्हें मैंने अपना मेट का पेपर दिया था उसके सवाल मुझे भेजो दोबारा, ताकि मैं ना उसके कल मुझे आज शाम तक भेज देना, इतना मैं उसमें एडिशन कर दूंगा। मैं आपको आज शाम तक दे दूंगी। हाँ सही है ना, उसमें ये मैं एडिशन कर दूंगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना वो फाइनल टर्म और एक्सटर्नल के लिए भी आपके काम आएगा। जी सर। और सर एक ना न्यूज एजेंसीज वाला टॉपिक थोड़ा सा दोबारा समझना है। अच्छा वो नेक्स्ट क्लास की प्रेजेंटेशन हो जाए ना, इसके बाद वो कर लेंगे रिव्यू, ठीक है ना। ठीक है सर। एक्चुअल में न्यूज एजेंसीज के कभी क्वेश्चन अगर फर्ज कीजिए कभी आपको समझ रहा है तो बड़ा बेसिक पॉइंट जहन में रखिएगा, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज, नेशनल न्यूज एजेंसीज, दो जहन में रखें, तीन पॉइंट बस, इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल। एक वो जो शहरी सतह पे होती है एजेंसीज, एक वो जो पूरे मुल्क में न्यूज़पेपर या चीजें सर्कुलेट हो रही हो, और तीसरी वो जो इंटरनेशनल लेवल में हो। जैसे आप में से एक ग्रुप ने एक राउटर्स का बताया था, एक पीपीआई है, सही है ना, इंटरनेशनल है। आपका जंग अखबार या ये डॉन है, ये नेशनल एजेंसी है। और अगर काविश अखबार को देखें सिंधी, तो वो डोमेस्टिक है, लोकल, वो सिर्फ सिंध में चलेगा। काविश अखबार अगर मैं पंजाब में ले जाऊं तो कोई सिंधी नहीं पढ़ सकता, सही? तो काविश अखबार कोई नहीं पढ़ सकता, बात समझिए आप। सही। तो इसका मतलब हमारे तीन डायरेक्शन है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज, लोकल नेशनल न्यूज एजेंसीज एंड डोमेस्टिक न्यूज एजेंसीज। तो इसको मैं आपको मिड टर्म उसके प्रेजेंटेशन के बाद रिव्यू करा दूंगा, लेकिन तीन बेसिक पॉइंट आप जेहन में रखें जो मैंने दो तीन बार डिस्कस करे थे। तो सही। क्या जेहन थैंक में यू रखना है सर। आपको, बोलो। सर आवाज कट गई आपकी। मैं कह रहा हूं एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज, एक नेशनल न्यूज एजेंसीज, और एक तीसरी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। इंटरनेशनल का राउटर्स और पीपीआई, लोकल में आप किसे जंग, नेशनल में जंग, डॉन, द न्यूज, और डोमेस्टिक के अंदर आपका जैसे सिर्फ कराची के लिए कोई निकलता हो अखबार, या सिर्फ सिंध में काविश, या सराइकी अखबार साउथ पंजाब के निकलता है, सही है ना। तो ये वो है डोमेस्टिक एजेंसीज, ठीक है। तो थैंक यू डिपेंड सो करता है कि मच। किस 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 तरीके से एजेंसीज मूव करती हैं, लेकिन जो बेसिकली प्रिंसिपल फॉलो होता है इस न्यूज सिस्टम में एजेंसीज में, वो इंटरनेशनल होता है। और प्रिंसिपल आपको क्या पढ़ाया था कि कोई भी खबर आएगी, हासिल करनी है, उसको स्क्रीन करना है, उसको एडिट करना है, फिर अप्रूवल लेना है, फिर शाया करना है। क्या क्या स्टेप है उसके खबर के, कि खबर ऑब्टेन करनी है, उसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद उसको अप्रूवल लेना है, और फिर उसको शाया करना है। तो खबर के शाया करने का प्रोसीजर दुनिया में सेम है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सही है ना। कुछ चीजें सही। स्टैंडर्ड हैं दुनिया में जो सबको फॉलो करनी है, चाहे वो छोटी कंट्री हो चाहे वो बड़ी कंट्री हो, वो इंटरनेशनल रूल है, सही ना। तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक हम लोगों को मूव करना पड़ता है उसमें, सही। तो इसी तरीके सही। से ये जितनी भी एजेंसीज हैं जो फॉरवर्ड करती मूव करती हैं, वो सारी इसी तरह मूव करती हैं, बिल्कुल। और सारी एजेंसीज का जो तरीकेकार है काम का, वो यही है कि खबर को किस तरह प्रेजेंट करना है और किस तरीके से लेके चलना है, सही। बाकी आप लोग अगर न्यूज एजेंसी के तरीकेकार को देखोगे तो वो भी आपके बिल्कुल बड़ा क्लियर होगा। तो न्यूज एजेंसी का जो तरीकेकार था, सही ना, वो मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या था बताइए। वो क्या था ग्राफ, सर वो याद नहीं है। हमने रोल ऑफ एजेंसीज किया था ना। क्या किया था। रोल ऑफ एजेंसीज, बस हमने हाँ एजेंसीज वाले टॉपिक में ना सिर्फ एक ही किया था रोल। अच्छा, देखो न्यूज एजेंसी जो होती है ना, जिस तरह भी रोल ऑफ न्यूज, उनका असल रोल तो यही है कि इंफॉर्मेशन को टाइमली पहुंचाना, सही। अच्छा। इनको कुछ दो नाम भी और भी देते हैं, जिस तरह लोग कुछ न्यूज एजेंसीज भी कहते हैं, सही जी, कुछ लोग इसको प्रेस एजेंसी कहते हैं, कुछ लोग प्रेस एसोसिएशन कहते हैं, सही और कुछ लोग इसे वायर सर्विस भी कहते हैं दुनिया में। क्या कहते हैं,
वायर सर्विस. वायर सर्विस, वायर सर्विस मींस के पहले लोग तार भेजते थे, इसको हम तार कहते थे पाकिस्तान में. आपको तो नहीं ये टर्मिनोलॉजी पता होगी, आपके अभी हम अम्मी अबू को पता होगी, वो तार के एसोसिएशन कहलाती थी, ठीक है ना. इसी तरह ये वायर सर्विसेज भी कहलाती हैं, ये प्रेस एसोसिएशंस भी कहलाती हैं, न्यूज एजेंसीज भी कहलाती हैं. लेकिन असल चीज क्या है कि खबर का शाया करना. अब पाकिस्तान की नेशनल एजेंसीज कौन सी है आपको पता नहीं? इंटरनेशनल में मैंने आपको कौन सी बताई, एक राउटर्स बताइए, RUTER राउटर लिख लो. ये पॉल जूलियस ने बनाई थी पहले, पॉल जूलियस राउटर ने बनाई थी, तो उसको जब से राउटर्स ही कहते हैं. और ये फ्रांस, एक जो इनका स्टार्ट हुआ न्यूज एजेंसी इसका, ये फ्रांस से हुआ था 1840 में. अगर आप इसका बैकग्राउंड लिखना चाहो तो फ्रांस 1840 से स्टार्ट हुई न्यूज एजेंसी पहले. सर आप नाम बताएं, किसने स्टार्ट किया था राउटर को? पॉल जूलियस राउटर. और इसके साथ एक और होता था बंदा, बर्नार्ड वुल्फ, BERNARD, बर्नार्ड वुल्फ. इन दोनों ने एक्चुअली स्टार्ट लिया था. सर राउटर फर्स्ट एजेंसी थी? फर्स्ट एजेंसी तो फ्रांस में हुई थी 1840 में, वो दूसरी थी, फ्रांस प्रेस के नाम से थी वो. ठीक. और उसके बाद इसी के वर्कर्स ने, पॉल ने एक राउटर्स बनाई थी. सर फ्रांस की एजेंसी का नाम क्या कहा आपने? जो फ्रांस की, वो फ्रांस प्रेस के नाम से स्टार्ट हुई थी एजेंसी, फ्रांस प्रेस. फिर 1927 में अमेरिकन्स ने करी एसोसिएटेड प्रेस के नाम से. अच्छा आप लिख लो नेशनल एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान. एक तो अक्सर आपने खबरों में सुना होगा APP, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान. हेलो जी सर, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान. दूसरी जो अक्सर आपने खबरों के नीचे लिखा होगा PPI लिखा देखा होगा पाकिस्तानी अखबारों में, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल. सर सॉरी आपकी आवाज कट गई. पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल PPI. पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल. अच्छा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान बनते ही शुरू हो गया था ऑलमोस्ट 1947 से. 1947. ठीक है सर. ठीक है जी. और बेसिकली जो PPI है ये 1956 में स्टार्ट हुई थी. सर 1956 मतलब 56. हाँ ये एक मौज़म अली साहब थे, उन्होंने स्टार्ट की थी, पुराने आदमी थे, उनके नाम से उन्होंने स्टार्ट की थी. अच्छा कुछ हमारी यहाँ ऑपरेशनल हैं, कुछ नॉन. ये APP और PPI हमारी यहाँ बहुत जबरदस्त ऑपरेशनल है. अब जो जो नाम आते हैं वो ज्यादा ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन नाम सब लिख लो. एक एशिया न्यूज नेटवर्क भी है, ANN, एशियाज न्यूज नेटवर्क. सर सर फायज और सीरत को ऐड कर लें. ओके एक है एशियाज न्यूज नेटवर्क. सर लिख लिया.
अच्छा एक है ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क, ऑनलाइन तो ये सब लोकल है ना, लाइक नेशनल एजेंसीज है ना ये नेशनल है हाँ, ये, ऑनलाइन और एशियाज भी। लेकिन रजिस्टर्ड पाकिस्तान में है ना इस नाम से ही, सही। ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क, एशिया न्यूज नेटवर्क लिख लिया। यस सर, लिखिए। एक है साउथ एशियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, साउथ एशियन, साउथ एशियन ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। सर लिखिए। अच्छा फिर लिखिए द वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूज एजेंसीज, नई हेडिंग डालें, वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूज एजेंसीज। एक मैंने आपको इंटरनेशनल में राउटर्स लिखवाया था पहले, एक बताया था एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिकन, जी अमेरिकन सर, एसोसिएटेड प्रेस, एक एक है अमेरिकन एसोसिएटेड राउटर्स, प्रेस, एक अगर राउटर और आपसे पूछ एक एजेंसी फ्रांस प्रेस। एजेंसी फ्रांस प्रेस और एपी, ये तीन है जो मैंने बताया ना, तीन दुनिया की बड़ी उसमें आती हैं। सही। और ठीक है हाँ, ये ऑनलाइन इंटरनेशनल नेटवर्क था ना। वो नेटवर्क था। तो सही। ये बाकियों को जरा डिक्टेट कराओ, बाकियों को जो अभी एडमिट हुए उन्हें बता दो जरा कि क्या क्या लिखना है इन्होंने। सर ये मैं बता देती हूँ। इसके अलावा ना आपने बताया था कि न्यूज एजेंसीज को और दो नाम देते हैं, वो मैंने नहीं लिखा था, बिल्कुल जी बता दे। जी न्यूज एजेंसीज, न्यूज एसोसिएशन। हाँ, और प्रेस एजेंसी भी कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको प्रेस एजेंसी भी कहते हैं। जी सर। प्रेस एसोसिएशन या वायर सर्विस भी कहलाती है, कुछ प्रेस एसोसिएशन कुछ वायर सर्विस, सर जरा इनको बाकी बच्चों को डिक्टेट सबसे कराओ क्या लिखवाया। पहले ना सर ने भी बताया कि जो न्यूज एजेंसीज है आपको इसमें तीन चीजें याद रखनी है, इंटरनेशनल एजेंसीज, नेशनल एजेंसीज और डोमेस्टिक एजेंसीज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज वो होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, नेशनल जो लोकल कंट्री लेवल पे काम करती है, डोमेस्टिक जो प्रोविंस या सिटी लेवल पे जो जो न्यूज वो डिस न्यूज पब्लिश करने में इनका रोल होता है। अब इस पे बात ना, जो न्यूज एजेंसीज है उन्हें मल्टीपल नाम है उनके, जैसे न्यूज एजेंसीज, न्यूज एसोसिएशन, प्रेस एजेंसी, वायर वायर सर्विस, सर्विस, वायर सर्विस। अब जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, इसमें जो फर्स्ट एजेंसी थी ना वो फ्रांस में बनी थी 1840 में, जिसका नाम था एजेंसी फ्रांस प्रेस। और एक और इंटरनेशनल एजेंसी है राउटर के नाम से, जो पॉल, सर पूरा नाम बॉल क्या था, जूलियस, बॉल जूलियस, जो पॉल जूलियस और बॉल बर्नार्ड जूलियस जूलियस राउटर, जिसका पूरा नाम था पॉल जूलियस राउटर, राउटर, तो राउटर के पॉल नाम से जू ही वो स्टार्ट हो गई। हाँ पॉल जूलियस राउटर ने बर्नार्ड वुल्फ के साथ मिलकर बनाई थी, जो राउटर के नाम से ही प्रेस स्टार्ट हो गई। इसके अलावा एक और 1927 में बनी थी अमेरिकन एसोसिएटेड प्रेस। ये तीन इंटरनेशनल है। अब जो नेशनल एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान है, इसमें एक है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो 1947 से चल रही है। इतना सांस ले लो, क्या हो गया है? अच्छा, अब बोलू उमेर? हाँ बोलो, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलो, किस चीज की जल्दी है? पुलिस पीछे पड़ी हुई है। हाँ अच्छा ना, अब एपीपी है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, 1947 में बनी, स्टार्ट चल रही है पाकिस्तान में, और नेशनल एजेंसी है। इसके अलावा है पीपीआई, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। अब ये जो दो है ना, ये ऑपरेशनल है, और इसके अलावा भी कुछ है। और जो पीपीआई है ना, वो स्टार्ट की थी मौज़म अली साहब ने, और इसके ये और 1956 में स्टार्ट हुई थी। और इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे एएनएन, एशियाज न्यूज नेटवर्क,
और ऑनलाइन इंटरनेशनल नेटवर्क और साउथ एशियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज। डन सर, हो गया सर, फायजा को ऐड कर लें। फायजा को मैंने ऐड कर लिया, देखो जरा। ये इकरा, जरा फायजा को भी रिमाइंड कराओ क्या लिखा है। सर फायजा ऐड नहीं हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। अब भाई सर, अब दोबारा बताऊं मैं स्टार्टिंग से। सर सर, मैंने सलाम किया आपको। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रुको ना, इकरा बात कर रही है। हाँ बोलो बोलो। सर ने न्यूज एजेंसीज वाला टॉपिक पढ़ाया, अब वो मैं तुम्हें बता दूं, तुम नोट डाउन करोगी अभी? तुम मुझे सेंड कर देना। नहीं, सेंड कर देना, ठीक है? बेस्ट। अब डिस्टर्ब होंगे ना। प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसी है? सर बेस्ट है, बेस्ट। मुझे आपसे एक दो चीजें पूछनी थी, परमिशन लेनी थी। अभी नहीं ना, सबके सामने पूछूंगी तो वो सीक्रेट आउट हो जाएंगे ना। ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही है ना? जी जी सर, जब भी पूछ लेना, फ्री हो के, कोई मसला नहीं। सर आप बता दें, आप कब फ्री हो तो आप रिप्लाई नहीं करते। अच्छा अभी मैंने आपको 3 मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया, मुझे कॉल करनी पड़ी। फायजा जब भी मैसेज किया करो, नीचे नाम लिखा करो। सर मुझे लगा मैं वाहिद हूँ जिसका नंबर आपने सेव किया होगा। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं तो बस सवाल पूछ लिया या बात कर ली, कैन आई कॉल यू, सही। अब लिखा होता नीचे नाम ही नहीं होता सर, तो जब भी कभी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लो, नाम आप लिखोगे तो फिर मुझे पता लग जाएगा इसका मैसेज आया है। पूरा लिखो सर आदम जी फायजा खानी, तो फिर समझ आ जाती। कितने पास आउट भी मैसेज करते रहते हैं ना कि बात करनी है, तो फिर पता ही नहीं लगता कि कहाँ है किसका। अच्छा जी, तो फिर तैयारी तुम्हारी फिर जबरदस्त है फायजा। सर अब ना ये न्यूज एजेंसीज वाले टॉपिक में। जी सर, बहुत एंड पे, बहुत क्या। और मैंने ना एक दो कुछ यूनिक चीजें भी डाली हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, मैं सेंड करूंगी, आप मुझे बताइए। सेंड कर देना सर। सही है। और अगर मेरा रिप्लाई कॉल पे रिप्लाई ना, तो आप वॉइस नोट सेंड कर देना अपना, ठीक है? जी सर, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी। वॉइस नोट सेंड कर देना, आई विल सी। बस मैं आपसे घर के काम ही नहीं करती हूँ। तुम लोग फायजा क्यों तंग करते हो भाई सारे? हाँ सर, फुजूल फुजूल मुझे ही सिर्फ तंग करते रहते हैं, देखे ना। बताओ, जैन का, जैन की आवाज नहीं आ रही है क्या? नवीन कुरैशी सिर्फ मेरी सुनते हैं सर। इकरा भी उस दिन बोली थी सर, नवीद कुरैशी सिर्फ मेरी सुनता है। क्या कह रही? ऐसा है सर। हाँ, आप मेरी नहीं सुनते? नहीं, हम नहीं, क्या पटाते हैं जरा हम लोग। सुनता हूँ भाई मैं तो। सर आप सबकी सुनते हैं। हाँ, बात चेंज कर दी ना। इतने टाइम के बाद मैं ढंग से पढ़ने के लिए रजिस्टर लेके बैठी हूँ आज, तभी तो मैं स्पॉइल गई थी। अच्छा, फिर इसी की सब हेडिंग लिखो, हाउ न्यूज एजेंसीज वर्क्स। सर लिख लिया। न्यूज एजेंसीज का दोबारा से लिखो, न्यूज एजेंसीज एज वी नो कॉल्ड एज वी नो कॉल्ड एज प्रेस एसोसिएशन। सर लिख लिया। सर जरा रिपीट करना सब हेडिंग। News agencies, as we know, called as press agencies, press association, wire service, and news services।
देयर बेसिक फंक्शन इज, देयर बेसिक फंक्शन इज मेंशन्ड बिलो, यू लिखो देयर बेसिक फंक्शन इज मेंशन्ड बिलो। सर लिख लिया। अब इसमें पहला लिखो स्टेप वन, जी सर, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या लिखोगे? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसको नीचे ब्रैकेट में लिख दो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दोनों चीजें कह सकते हो आप। लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखो स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेप टू स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जी सर लिख लिया। तीसरा लिखो एडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या और न्यूज, एडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज कर सकते हो आप। सर हो गया। चौथा लिखो न्यूज प्रूफिंग, फिर इसको प्रूफ करते हैं। फिर हो गया, देन पब्लिश। फिर पांचवा लिखो, जी सर, न्यूज अप्रूवल, छठा स्टेप लिखो, जी सर, पब्लिशमेंट ऑफ न्यूज, पब्लिशमेंट ऑफ न्यूज, सर डन। पब्लिशमेंट ऑफ न्यूज सर हो गया। ये इसका फंक्शन है, या ऑपरेशनल तरीका है किसी भी एजेंसी का, चाहे वो रेडियो एजेंसी हो, टेलीविजन हो, चाहे वो न्यूज एजेंसी हो प्रेस की। तो रिटर्न अपना सॉरी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का फंक्शन यही है, ठीक है, खबर का तरीकेकार बिल्कुल सबका सेम है। और ये लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल भी यही है, सही। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके बाद है स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, देन एडिटिंग ऑफ न्यूज, न्यूज प्रूफिंग, न्यूज अप्रूवल और फिर पब्लिशमेंट ऑफ न्यूज। गुड, ये है तरीकेकार दुनिया भर में एजेंसीज की वर्किंग ऑपरेशन या फंक्शन या वर्किंग का तरीका या उनके काम करने का तरीका, किसी भी तरीके से घूम के पूछ लिया जाए, फंक्शन वर्किंग ऑपरेशंस स्टाइल, सही ना। तो ये जितने मोड ऑफ ऑपरेंडिंग ये सारे इसके यही कहलाते हैं कि इस तरीके से न्यूज एजेंसी चाहे टेलीविजन की हो, चाहे वो रेडियो की हो, चाहे वो बारी न्यूज प्रेस की हो, वो इसी तरह मूव कर रही, उनका फंक्शन यही होगा सबका। गॉट द पॉइंट? यस सर। सर अब ना जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं वो इंटरनेशनल मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, जो नेशनल है वो पाकिस्तान लेवल पे, और जो और डोमेस्टिक एजेंसीज कोई नहीं है। डोमेस्टिक जैसे सूबाई होती है ना, सूबाई या सिर्फ कराची में, वो और कहीं शायद नहीं होगा। जैसे कराची के मैट्रिक का रिजल्ट आया तो वो पंजाब में तो पब्लिश नहीं होगा ना, समझे आप? वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे कोई अखबार आता है, या डोमेस्टिक जैसे काबिश अखबार है वो सिर्फ इंटीरियर सिंध में चलता है, सही।
यहाँ सिंधी बोलने वाले हैं, वो पंजाब में तो काविश अखबार का काम नहीं है, ठीक है, तो वो बिल्कुल डोमेस्टिक होता है। सर वो तो ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेंटर्स वगैरह होंगे ना? वो सेंटर्स तो होंगे ना, लेकिन उसमें उनके एजेंसीज के नाम है, काविश है, सराइकी वालों का सराइकी है, ठीक है जी, इसी तरह पेशावर में पख्तून वालों का भी एक अखबार है, वो डोमेस्टिक है। सही सही, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक का फंक्शन भी सेम है, नेशनल का फंक्शन सेम है, और इंटरनेशनल का भी सेम है, सही फंक्शन सबके सेम है। अब सर नेक्स्ट क्लास के लिए ना पब्लिक रिलेशन का थोड़ा सा टॉपिक एक रिव्यू करना है, और एक और टॉपिक मैंने मार्क करके रखा है, मैं बताती हूँ। पब्लिशिंग का तो सिंपल है, प्रिंटिंग ऑफ न्यूज, ये जब प्रिंटिंग जब तक नहीं हो सकती जब तक पीछे ये सारे स्टेप नहीं होंगे। पब्लिशिंग तो सिर्फ कहते हैं शाया करने को, खबर को शाया करवा देने को, पब्लिशिंग है। पब्लिशिंग नहीं, पब्लिक रिलेशन। अच्छा पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन जब ये खनानी की प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इसका पूरा रिव्यू करा दूंगा। सही है सर, एक सवाल है जी, बोलो सर, डोमेस्टिक और प्रोविंशियल में क्या फर्क है? डोमेस्टिक और प्रोविंशियल ऑलमोस्ट सेम है, सही है ना, पूरे सूबे में, सही है, या सूबाई, जैसे सिंध में काविश अखबार चल सकता है, पंजाब में सराइकी एडिशनल चल सकता है, पश्तो अखबार उधर चल सकता है, और बलोची अखबार बलोचिस्तान में चल सकता है, ठीक है ना, ये प्रोविंशियल और डोमेस्टिक कहलाते हैं। ओके सर, सर मिड टर्म के मार्क्स बता दें। क्या कर गया पूछ के यार। देखो मार्क्स बताने में एक नुकसान होता है, उसका फायदा ये होता है कि अगर मैंने आपके अभी दो कम किए हैं तो फाइनल टर्म में आप कहोगे यार अगर मैंने आपको थोड़े ज्यादा मार्क ग्रेस दे दिए किसी और चीज के ऊपर, तो आप कहोगे पहले ही मेरे दूसरे बच्चे एतराज करते हैं, इसके तो पहले दो कम थे, फाइनल में दो कम हुए होंगे तो फिर ज्यादा कैसे आ गए। सर इसका मतलब आप मार्क्स रिवील ही नहीं करेंगे फाइनल तक? मैं उसको दूंगा, असद को दे दूं क्या, तुम लोगों को पब्लिश करवा दूं? जी सर दे दे मार्क्स। जी सर प्लीज बता दे प्रेजेंटेशन के बाद, ताकि किसी का मोरल डाउन ना हो। हाँ ये भी है, फायदा वैसे ही बड़ी फॉर्म में चल रही है। वाइजा बहुत एग्रेसिव जा रही है, तुम लोग खैर मनाओ अपनी। सर मैं बता रही हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान सबके माइक बंद करवा देने, कोई भी ना बोले बीच में, कुछ कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ लेकिन वीडियो प्रेजेंटेशन होगी, कभी बंद करवा दूंगी सर, कोई नहीं बोलेगा, मुझे पता था नहीं सोएंगे, नहीं जागेंगे भाई, सोएंगे नहीं, इसकी गारंटी है मेरे पास, नहीं तो मैं ऐसा क्या खा के रखेंगे, एक्टिविटी होगी भाई कोई ना कोई। सर मैं तो बिरयानी रखवाने वाली थी जैन के कहने पे, अब जो टाइमिंग 12:30 या 12 की है तो ऑलमोस्ट सभी जाग जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे रखवा के जरा दिखाएं ये कैसे जगाती है। मुझे पूछो 12 बजे जागते या नहीं जागते, मैं बताऊं। हाँ मैं ना अजीब बात की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी नींद कभी जिंदगी में पूरी नहीं होगी, 6:30 बजे भी उठा दो ना तो तुम बोलोगी यार नींद आ रही है मुझे।